नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी न्यूज़ टुडे, वीडियो एग्जाम न्यूज़ टुडे, सीजीएसएल लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, अदर्स न्यूज़ टुडे, जाने सब कुछ इस वीडियो में। शुरू से लेकर वीडियो भर्ती के लिए केंद्रों तक पहुँचे महज 36% अभ्यर्थी, पेपर आउट होने से पूर्व में निरस्त हो चुकी है, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। पेपर आउट होने के कारण निरस्त की जा चुकी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की दोबारा हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति निराशाजनक रही। मैं 36% अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुँचे। मंगलवार को भी यही परीक्षा प्रयागराज के 30 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वर्ष 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 2019 में परीक्षा कराई थी जिसका पेपर आउट हो गया और बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया और आयोग ने अपने स्तर से यह परीक्षा निरस्त कर दी थी। सोमवार को यह भर्ती परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 30 केंद्र बनाए गए। सुबह 10 और 12 अपराह्न 3 शाम 5 बजे की पाली में आयोजित परीक्षा के लिए कुल 25,008 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से महज 9,025 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुँच। सीजीएसएल 2022 में 8,579 रहे अनुपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल 2022 के पेपर टू में मध्य क्षेत्र के 9 शहरों में परीक्षा आयोजित हुई और मुख्य मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान के मुताबिक परीक्षा के लिए 26,032 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 17,453 अभ्यर्थी यानी कि 67.04% ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 8,579 ने परीक्षा मुक्त विश्वविद्यालय 68,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश के 148 केंद्रों में आज से शुरू होगी 17 जून 2023 की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 17 जून 2023 की परीक्षाएं मध्य प्रदेश के 148 केंद्रों पर मंगलवार 27 जून से शुरू होने जा रही है। इन परीक्षा केंद्रों में 6 केंद्रीय कारागार भी शामिल हैं। परीक्षा में तकरीबन 68,000 परीक्षार्थी टीजीटी और पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू करने का आश्वासन मिला है। अब इसमें महज 1-1.5 हफ्ते का समय है। अब देखा जा सकता है कि यह कितना सत्य है कि वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या फिर कोई डेट दी। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।